मंडी जिला के सुंदरनगर में मलोहू से लापता हुए व्यक्ति कृष्ण लाल का एक सप्ताह बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। कृष्ण लाल की पत्नी खेमलता व परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी हत्या की आशंका जताई है। परिवार के सदस्यों ने तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में परिजनों से गांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने सुंदरनगर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात कर कृष्णलाल को जल्द से जल्द खोजने की मांग उठाई है। पति 11 तारीख से लापता है। रात को मेरी बात भी हुई थी उनके साथ 10 बजे। पुलिस ने कुछ नहीं किया अभी तक, कोई एक्शन नहीं लिया। जो रिपोर्ट है वो उसको किसी और गुमशुद में रखी है और कहीं बताई भी नहीं है किसी और के साथ। आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन आज हम सीएम साहब से मिले और हमने सीएम साहब से भी बताया। एडिशन एसपी साहब ने बोला कि हमारे पास सुंदरनगर पुलिस से कोई भी कार्रवाई नहीं पहुंची है, ना ही हमें इस बारे में कोई पता है, लेकिन सुंदरनगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्होंने अभी तक आगे क्यों नहीं हमारी कंप्लेंट को भेजा? अगर इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आराम से बैठे हुए हैं, बस आ रहे हैं तो बोलते हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमें इनकी कार्रवाई का कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ना ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत मलोहू की प्रधान कांता देवी ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हमारे ग्राम पंचायत मलोह से कृष्ण लाल नाम का लड़का जो है 11 तारीख से गुम हुआ है और हमने पुलिस स्टेशन में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और मैं चाहती हूँ पुलिस स्टेशन वालों से कि ये कार्रवाई करें और जल्द से जल्द उन आरोपियों का पता लगाए जिन्होंने ये इतना बड़े हादसे को अंजाम दिया है। वहीं सुंदरनगर के डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि परिजनों के शक के आधार पर पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है।